इनेलो के पांच विधायक नैना चौटाला, राजदीप फोगाट, पृथ्वी सिंह, अनूप थानक और नसीम अहमद को उस समय झटका लगा जब उनके खिलाफ दायर की गई याचिका पर फैसला लेते हुए हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष कंवरपाल गुर्जर ने उन्हें अयोग्य ठहरा दिया। इसके साथ ही उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को विपक्ष के नेता की सुविधा आदर्श आचार संहिता लगने से पहले तक मिलेगी। वहीं इनेलो के पांच विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने के मामले में दायर की गई याचिका पर क्या फैसला किया गया और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को विपक्ष के नेता की सुविधा कब मिलेगी, इस बारे में खास बातचीत की हमारे संवाददाता अनिल कुमार ने विधानसभा अध्यक्ष कंवरपाल गुर्जर से। पांच विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने के मामले में दायर की गई याचिका पर आज हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ने अपना फैसला सुना दिया है। इस समय मेरे साथ हैं हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष कंवरपाल गुर्जर, इनसे जानते हैं कि इन्होंने क्या फैसला सुनाया है। जी गुर्जर, देखिए चार विधायकों के खिलाफ जो एक पिटीशन दायर की थी बलवान सिंह दौलतप्रिया जी ने, और बाद में अभय सिंह चौटाला ने भी एक पिटीशन दायर की थी। हम दोनों पिटीशन जो है हमने क्लब कर दी थी, और पिछले सप्ताह मंगलवार के दिन ही उस पर बहस हुई थी। हमने दोनों पक्षों की बहस को बड़े ध्यान से सुना, जो भी उन्हें विचार रखे, और हमने अपने फैसले को रद्द रख लिया था। आज मैंने वो फैसला सुना दिया और चारों विधायकों को हमने अयोग्य घोषित कर दिया। इसके साथ ही जो नसीम खान है उनके खिलाफ भी रामचंद्र कंबोज और अभय सिंह चौटाला जी ने एक पिटीशन दायर की थी कि उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन कर लिया, जबकि वो इंडियन नेशनल लोकदल के चुनाव चिन्ह पर चुनाव जीत के आए थे, तो इसलिए उनकी इस दस्ता को क्यों ना रद्द कर दिया जाए। तो हमने उसकी जो सुनवाई थी वो आज थी, आज उसकी डेट थी, और जिन लोगों की अपील थी उनकी तरफ से वकील और दूसरे लोग हाजिर थे, लेकिन नसीम अहमद ना ही तो यहाँ पे हाजिर हुआ और ना ही उन्होंने अपना पक्ष कोई रखा। दूसरे पक्ष ने मजबूत जो दावे थे उनके पास, जो उनके पास प्रमाण थे उन्होंने हमें दिखाए भी हैं, तो क्योंकि नसीम अहमद हाजिर नहीं थे इसलिए मैंने एक्स पार्टी करके और उनके खिलाफ अपना फैसला दे दिया और उनको योग्य घोषित कर दिया। स्पीकर साहब, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को क्या विपक्ष का नेता बनाया गया क्या? हाँ, कल ही हमें एक पत्र प्राप्त हुआ था, मेरे कार्यालय में एक पत्र आया था, और उस पत्र पर मैं तुरंत संज्ञान लेते हुए आज मैंने उनको नेता प्रतिपक्ष नियुक्त कर दिया, और आज से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही नेता प्रतिपक्ष होंगे, और कोई भी अगर कोई फैसिलिटी, जो भी फैसिलिटी है नेता प्रतिपक्ष की, अगर वो चाहेंगे तो हम तुरंत उनको उपलब्ध कराएंगे। गुर्जर साहब, जो ये फैसिलिटीज पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को विपक्ष के नेता की दी गई है, ये कब तक रहेगी? देखिए, अभी तक उन्होंने फैसिलिटी की कोई डिमांड नहीं की, नहीं अभी तक उनको मिली कोई फैसिलिटी। अगर वो कहेंगे तो निश्चित तौर से तुरंत वो उपलब्ध करा दी जाएगी, और ये सारी फैसिलिटी जो है आचार संहिता तक ही रहती है सबकी, सभी मंत्रियों की भी, विपक्ष के नेता की, सबकी जो फैसिलिटी है वो आचार संहिता तक रहती है। आचार संहिता के बाद ये सब जो है फैसिलिटी समाप्त हो जाती है सबकी। ये थे मेरे साथ हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष कंवरपाल गुर्जर। इन्होंने कहा है कि पांच विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने के मामले में उन्होंने अपना फैसला सुना दिया है और पांचों विधायकों को अयोग्य ठहरा दिया गया है। इसके साथ साथ इन्होंने कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को विपक्ष का नेता बनाया गया है, लेकिन उनको ये सुविधा आदर्श आचार संहिता रहने तक ही मिलेगी। कैमरामैन संजय के साथ अनिल कुमार, टोटल।